जी हाँ, जैसे कि मैंने तुम लोग से प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक न्यू सीरीज चालू करेंगे, एंड ये है वो सीरीज मेरे चैनल की। जी हाँ गाइस, हम लोग मार्वल की गेम खेल रहे हैं, मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन। देखो यार, मैं मार्वल का तो बहुत बड़ा फैन हूँ, तुम लोग मार्वल के फैन हो या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं तो डाई हार्ट फैन हूँ मार्वल का, बचपन से। पर लेकिन अगर मैं सच बोलूँ तो फिर जल्दी से हम लोग ना इस गेम को ज़रा सा ना खेल लेते हैं, बिकॉज़ मैंने ना अपनी ज़िंदगी में सही में मैंने ये गेम खेला नहीं है। सीरियसली मैंने ये गेम खेला नहीं है बिल्कुल भी, मेरे को ये गेम आता नहीं है। मेरे को बस इतना मालूम है ये जो गेम है ये टेकन 3 की तरह है। मार्वल की गेम है यार, अच्छी होनी चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। मैं नई न्यू सीरीज चालू कर रहा हूँ, देखते हैं अच्छी सी अच्छी गेम है या नहीं, उस हिसाब से मैं ये सीरीज बनाऊंगा इस गेम की। तो वे मतलब अभी मैंने एक मैच खेला, मतलब वो ट्यूटोरियल था, एंड सैंक्ची वर्सेस एक तो सुपर हीरो था, वो कॉमिक्स वाला सुपर हीरो था, वो मुझे याद नहीं है, अभी बहुत टाइम पहले पढ़ता था मैं कॉमिक्स। यस गाइस, शुरू करते हैं इस अमेजिंग सीरीज का, लेट्स बिगिन। अभी उसने गेम चालू तो कर दिया था, पर लेकिन अभी आप लोग आगे देखो कि उसके साथ उसने कैसा गेम लगा। अगर आप चाहते हो कि उसका रिएक्शन देखने, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना, एंड लाइक सब्सक्राइब भी कर देना यार, भीख मांग रहा हूँ तुम लोग से इतने टाइम से। तो फिर ये क्या निकलेगा इसमें से? टैप क्रिस्टल टू स्टॉप। ओके 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 ओके, घूम रहा है। क्यों, कौन सा सुपर हीरो निकलेगा? इस डायमंड जैसे दिखने वाले इसमें से सुपर हीरो निकलता है स्पाइडी बॉय, और मिल जाना चाहिए थॉर, कैप्टन अमेरिका, एक्समैन, आई मीन वुल्वरीन, या फिर आयरन मैन, यार कुछ तो मिल जा, डॉक्टर स्ट्रेंज मिल जा, मजा आ जाएगा। दूसरा सुप्रीम बनूंगा, एक्समैन आई मीन वुल्वरीन। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आई मीन ये है हमारा माइनक्राफ्ट बोल रहा हूँ भाई, ये है हमारा ये मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का पहला एपिसोड। अभी देखते हैं गेम कैसा है। यहाँ पे आयरन मैन का एक फेज है। ओके, आई थिंक हम लोग आयरन मैन बनने वाले हैं, या फिर हम लोग आयरन मैन से फाइट करेंगे, टोनी स्टार्क से। स्पाइडरमैन वर्सेस आयरन मैन, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता, बिकॉज एंड में तो देखा ही है ना, एवेंजर्स एंड गेम में हमारे टोनी स्टार्क मारे गए थे, एंड फिर स्पाइडी भाई हमारे कितने रोते हैं। फाइट कर लेते हैं यार, देखते हैं कैसा गेम है, ग्राफिक्स कितने, देखते हैं कैसा आगे सीरीज कंटिन्यू करूँ या नहीं। मैं बहुत टाइम से, मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत टाइम से ये गेम खेलना चाहता था। ओए वो सामने कौन सा? अरे ये तो वही है ना, हाँ ये तो वॉचर है गाइस, ये देखो वॉचर जो वॉट इफ में है, ये हमारी लड़ाई देख रहा है। अच्छा ये मैंने इस गेम के वैसे कंट्रोल्स देखे हैं। ओ भाई ओके, अभी मैंने शील्ड बना ली, अभी ये कम कम डैमेज पड़ेगा मेरे को, ये मेरी सबसे यस एनर्जी पावर। ओके मैंने वैसे इस गेम के एंड मैंने अरे भाई, अरे रुक एक मिनट, मैंने सुना है स्वाइप करके, अरे रुक ना यार, हाँ स्वाइप करके भी कुछ तो होता है। हाँ एक मिनट, ये वाला मेरे को एनर्जी यूज कर, यस मरने वाला है भाई तू, टोनी स्टार्क तो पहली एंडगेम में मर चुका है, तू मेरे हाथों ही मरेगा। स्पाइडी विक्ट्री। हम लोग हल्क के साथ फाइट करने वाले हैं। हाँ इन्फिनिटी, वैसे हल्क अभी प्रोफेसर हल्क बन चुका है, रूस के दिमाग को और हल्क की बॉडी को एक करके अभी वो बन चुका है व्हाट, मेरे को लगा प्रोफेसर हल्क होगा जो कि एंड गेम में दिखाया, क्या है नहीं, वैसे ऐसा हल्क ही पसंद है मेरे को। वुल्वरीन वर्सेस हल्क, देखते हैं कौन जीतता है। फाइट। ओके फाइट। अरे मेरे को अपनी पावर यूज कर, बस इतना ही। ओ बा 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 ढंडरड़ा 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 ढंडरड
कौन जीतेगा? वुल्वरीन ही जीतेगा। मजा आ रहा है यार गेम खेलने में। ओके ओके, अपग्रेड चैंपियंस। ओके चैंपियंस को अपग्रेड करते हैं, आई मीन सुपर हीरोज को आई अपग्रेड करेंगे। वैसे मैं चाहता हूँ कि मैं आयरन मैन को अपग्रेड करूँ, बिकॉज आयरन मैन का मेरे को मार्क 87 आर्मर चाहिए। ओके हम लोग को दो चॉइसेस मिल रहे हैं किसको हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फिर हम लोग अपने स्पाइडी बॉय फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को ही करेंगे। पीच पार्कर, लेट्स गो पीटर पार्कर। लेवल अप, लेवल अप हो गए। लेवल अप फाइट कर सकता हूँ भाई। यस ओके, पहली स्टोरी जिसमें अभी उस ये देखो ये है हमारा ग्रैंड मास्टर एंड हम लोग, या इसमें कैप्टन अमेरिका है ये, इसमें क्या कैप्टन अमेरिका से फाइट करेंगे हम लोग? ओके यार चलो, स्टीव रॉजर्स के साथ फाइट करने वाले हैं हम लोग, फालतू फालतू की बात नहीं है। मेरे को लगा वो थॉर रैग्नारोक वाला ग्रैंड मास्टर है। है डॉक्टर स्ट्रेंज। अरे भाई तुम लोग की बकबक बंद करो, मैं इस टाइप का बुक रीड करने वाला बंदा नहीं हूँ, मेरे को फाइट्स चाहिए। आई एम द लेजेंड भाई, ये बचपन से गेमर हूँ मैं, मजाक नहीं, हर गेम में प्रो हूँ मैं। के एक साइड पर है स्पाइडरमैन एंड दूसरे साइड पर है सस्ता सुपरमैन, सॉल्सर सुप्रीम है वाली पावर है आई मीन। तो फिर लेट्स गो फाइट करते हैं जल्दी से, चलो। बाय द वे सही में मैंने ये गेम वैसे खेला नहीं था, मैं पहली बार ये गेम खेल रहा हूँ, बट सीरियसली गेम के ग्राफिक्स सीरियसली बहुत अच्छे हैं। नहीं वैसे इतना वो नहीं लग रहा होगा, कार्टूनिश ग्राफिक्स ही लग रहे होंगे, ऑब्वियसली कार्टूनिश ग्राफिक्स है, पर लेकिन बहुत अच्छे ग्राफिक्स है, ऐसे ग्राफिक्स तो एकदम तगड़े होते हैं। ओके ओके मैं, वॉट स्पाइडरमैन तू इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया रे भाई? डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ भी नहीं करा, मेरी हेल्थ बस थोड़ी सी गई है, इतना स्ट्रांग हूँ मैं इस गेम में, आई मीन लेजेंड हूँ मैं इस गेम में। ओके एक साइड पर है वुल्वरीन, दूसरे साइड पर है पनिशर, देखते हैं कौन जीतता है। बैकग्राउंड सही चुना है, अरे भाई इस बैकग्राउंड को कैसे भूल सकते हैं, ये तो थॉर का एसगार्ड है भाई, एसगार्ड ये देखो फुल रास्ता बना रखा है जिसमें थॉर एंड हेला फाइट कर रहे होते हैं थॉर रैग्नारोक में। अरे ये शील्ड बनाएगा मेरे सामने, अच्छा बना ले भाई तू बना ले, मैं कुछ नहीं बोलता। गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप सो गाइस आप लोग को पहला एपिसोड पसंद आया होगा मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियंस का। एंड वैसे मेरे को लग रहा था कि मुझे ही लगता, आई मीन जब मैंने ये गेम डाउनलोड करा था, मतलब मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, रिकॉर्ड नहीं करी थी, तब मेरे को लग रहा था कि मुझे ही लगता मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आई मीन सीरीज़ बनाने वाला हूँ इस गेम के ऊपर, बिकॉज मैंने मेरे को ही पता था कि ये गेम इतना ऑसम होगा भाई, मस्त गेम है, मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया ये गेम, ग्राफिक्स तो तगड़े है ही। एंड ये जो गेम है ना, वैसे मतलब बहुत बड़ा गेम है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा गेम है ये, इसमें बहुत सारे फेजेस हैं, नहीं वैसे ऐसा नहीं है कि इतने ही फेजेस है, इसमें हम लोग बहुत हद से ज़्यादा कैरेक्टर को अपग्रेड कर सकते हैं एंड उसके लिए हम लोग को फुल फाइट वगैरह स्टोरी वगैरह मिलेगी। ऑलराइट मैंने ये सोच लिया था कि मैं इस गेम को, वैसे मेरे को ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका था, इसलिए मैंने ये सोच ही लिया था कि मुझे इस गेम को कैसे भी करके पूरा कंप्लीट करना है, ये गेम ख़त्म करना है एंड उसके लिए बाकी के पार्ट्स भी आने वाले हैं। मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का पहला एपिसोड कैसा लगा भाई? मस्त गेम है, मेरे को तो बहुत पसंद आया एंड प्ले स्टोर में जाके इस गेम को डाउनलोड करो जिन लोगों ने इस गेम को नहीं खेला है, अपना मार्वल का गेम है भाई, अपना मार्वल जिनका हम बहुत बड़े फ़ैन हैं।
एंड अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड आई थिंक ये जो सीरीज़ है ये मेरे चैनल की सबसे सेकंड सीरीज़ है। मैंने जब द वुल्फ अमंग अस खेला था तब मेरे को लगा था कि मैं अपने चैनल पर न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, बट वैसा नहीं हुआ, पोपट हो गया मेरा। बाकी के लेवल्स के लिए वो परचेस करना पड़ता है वो लेवल्स पर, लेकिन इस गेम में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आराम से अपने चैनल पे एक न्यू सीरीज़ चालू कर सकते हैं, सेकंड सीरीज़। मैंने अपने चैनल पे बस एक ही सीरीज़ बनाई है, उसका बस सेकंड एपिसोड जल्दी आने वाला है, वो है माइनक्राफ्ट। एंड एक ये दो हो गए, ये फाइनली मैंने ये गेम खेल ही लिया है एंड इसका सेकंड एपिसोड भी जल्दी आने वाला है। एंड देखना मत भूलना, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना एंड बेल आइकन को भी दबाना, एंड सबसे मेन थिंग तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। एंड आई विल सी गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।